एलियन एक्स इस करेक्टर का नाम सुनते ही मन में कई सारे सवाल उठते हैं और दिल में कई सारे ख्याल आते हैं कि आखिरकार एलियन एक्स है कौन और एलियन एक्स के पास कितनी पावर है और एलियन एक्स क्या क्या कर सकता है और क्या एलियन एक्स को मारा भी जा सकता है और एलियन एक्स ही वो एलियन है जिसकी ओरिजिन को लेकर मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉमेंट आए हैं और इसीलिए आज की वीडियो में मैं एलियन एक्स की ओरिजिन से लेकर एलियन एक्स के सारे राज पर से पर्दा उठाऊंगा और बताऊंगा एलियन एक्स की रियल स्टोरी। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। पृथ्वी जहां ह्यूमंस रहते हैं वो मिल्की वे में है जो कि एक गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी के आगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और उसके भी आगे लाखों और गैलेक्सी है जिनसे मिलकर एक यूनिवर्स बनता है और बहुत सारे यूनिवर्स मिलकर मल्टीवर्स बनाते हैं और इन सब को मिलाकर एक ओमनीवर्स बनता है और इस ओमनीवर्स के आगे इन्फिनिटी है जिसमें एक जगह ऐसी है जहां एलियन एक्स की स्पीसीज सेलेस्टल सेपियंस रहते हैं और जिस जगह सेलेस्टल सेपियंस की स्पीसीज रहती हैं उस जगह का नाम फोर्ज ऑफ क्रिएशन है और इसी जगह को ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आइडिया सही में बनते हैं और रियलिटी असल में चेंज होती है। और अकॉर्डिंग टू दी बेंटन थ्योरी कहा जाता है कि यहाँ की स्पीसीज सेलेस्टल सेपियंस ने ही पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है क्योंकि फोर्ज ऑफ क्रिएशन ही वो जगह है जहाँ सेलेस्टल सेपियंस रियलिटी को बनाते और बिगाड़ते रहते हैं लेकिन फोर्ज ऑफ क्रिएशन में किसी का भी आना असंभव है क्योंकि ये पूरी तरह से क्रोनो रैंडमाइजेशन बैरियर से ढका हुआ है जिस कारण ये पूरी जगह छिपी हुई है और सेलेस्टल सेपियंस टाइम वॉकर के अलावा यहाँ कोई आ जा नहीं सकता। पर अगर किसी के पास मैप ऑफ इन्फिनिटी है तो वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में आ सकता है क्योंकि मैप ऑफ इन्फिनिटी एक तरह का एक की है जो कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन का रास्ता खोलती है और इसका नाम मैप ऑफ इन्फिनिटी इसलिए रखा गया है क्योंकि फोर्ज ऑफ क्रिएशन पूरा यूनिवर्स खत्म होने के बाद इन्फिनिटी में एग्जिस्ट करता है और यही वो जगह है जहाँ सर्वशक्तिमान सेलेस्टल सेपियंस का जन्म होता है। पर सेलेस्टल सेपियंस तभी जन्म ले सकते हैं जब एक फीमेल सेलेस्टल सेपियंस और एक मेल सेलेस्टल सेपियंस अपनी पावर्स को आपस में शेयर करें तब जाके एक बेबी सेलेस्टल सेपियन का जन्म होता है और इस प्रक्रिया में थाउजेंड्स ऑफ द ईयर लगते हैं और उसके बाद बेबी सेलेस्टल सेपियंस को मैच्योर होने में फिर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर लगते हैं जिसके बाद एक बेबी सेलेस्टल सेपियंस एक बड़ा सेलेस्टल सेपियन बन जाता है। और सभी सेलेस्टल सेपियंस में दो प्रकार की पर्सनैलिटी होती है जिसमें से एक लव और रहम का सिंबल होता है तो दूसरा गुस्से और नफरत का सिंबल होता है जो आपस में हमेशा किसी न किसी बहस में फंसे रहते हैं और उन्हें किसी न किसी निर्णय तक पहुँचने में हजारों साल लग जाते हैं और कई बार तो कुछ अरब खरब साल भी लग जाते हैं और इसीलिए सभी सेलेस्टल सेपियंस को एकांत माहौल पसंद होता है जहां वो बिना रोक टोक अपनी बहस में लगे रहते हैं और दोनों की सहमति के बिना सेलेस्टल सेपियंस अपनी किसी भी पावर का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा सभी सेलेस्टल सेपियंस के साथ नहीं होता। कुछ सेलेस्टल सेपियंस ऐसे भी होते हैं जो अपना निर्णय बाकी सेलेस्टल सेपियंस के मुकाबले काफी जल्दी ले सकते हैं जैसे गैलेक्टिक ग्लैडिएटर और स्टारविट जैसे सेलेस्टल सेपियंस अपने निर्णायक फैसले जल्दी सुना सकते हैं जो यूनिवर्स के कायदे और कानूनों को लागू करते हैं और उन्हें फॉलो भी करवाते हैं और मे भी ये हो सकता है कि इन दोनों को सभी सेलेस्टल सेपियंस द्वारा चुना गया हो ताकि सभी यूनिवर्स में कानूनों का पालन करवाया जा सके। इसके अलावा सेलेस्टल सेपियंस अपना ज़्यादातर जीवन एकांत में बहस करते हुए बिताते हैं और इसी बीच वो टाइम और रियलिटी को ऐसे बदल देते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। और सेलेस्टल सेपियंस वो एलियन स्पीसीज है जो सर्वशक्तिमान है। इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं जो इसके पास नहीं है। ये कहीं भी कभी भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं और अपने करोड़ों डुप्लीकेट बना सकते हैं और अपनी हाइट को इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। इसका कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ तक कि सेलेस्टल सेपियंस के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पावर काम नहीं करता फिर चाहे वो यौन की टाइम नहीं क्यों ना हो। साथ ही अगर सेलेस्टल सेपियंस चाहे तो लाखों करोड़ों साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुके स्पीसीज उन्हें भी वापस रिक्रिएट कर सकता है जैसे डायनासोर। ये हमने खुद सेलेना के मुंह से सुना था। पर सेलेस्टल सेपियंस एनर सिस्टम पर नहीं जा सकते जहां इकोरोनाइट और वैम्पायर जैसी एलियन स्पीसीज रहती हैं। यहां तक कि सेलेस्टल सेपियंस की पावर को अब्सॉर्ब भी किया जा सकता है ऑस्मोसियन द्वारा पर पूरी तरह नहीं। साथ ही गोरमांड्स सेलेस्टल सेपियंस को खा सकते हैं लेकिन ये सारी कमजोरी तब तक ही काम करती है जब तक सेलेस्टल सेपियंस मोशनलेस हैं यानी कि जब तक वो अपनी पावर का यूज नहीं करते और मोशन में आने के बाद
सेलेस्टियल सेपियंस की कोई कमजोरी नहीं रहती और उनके सामने कुछ भी असंभव नहीं होता और वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर ये तो हो गई सेलेस्टियल सेपियंस की बात, अब बात करते हैं एलियन एक्स के बारे में जिसे हमने पहली बार बेन 10 एलियन फोर्स में देखा। इस बार इस वाले एलियन को भी आजमा कर देख लेता हूँ। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिरकार ओमनीट्रिक्स में इतना पावरफुल एलियन का डीएनए आया कैसे, क्योंकि जहाँ एलियन एक्स रहते हैं वहाँ सिर्फ सेलेस्टियल सेपियंस और टाइम वॉकर जो पैराडॉक्स है वही वहाँ जा सकते हैं और जिसके पास मैप ऑफ इन्फिनिटी है वही वहाँ जा सकता है और कोई नहीं। तो आखिरकार एलियन एक्स ओमनीट्रिक्स में आया कैसे, इसके ऊपर काफी सारी फैंडम थ्योरी है जिसके अनुसार एजमत ने एलियन एक्स का डीएनए पैराडॉक्स की मदद से ओमनीट्रिक्स में कलेक्ट किया होगा जो बाद में प्राइमस की तरह और जब क्रिएशन से जुड़ गया होगा और इसीलिए एलियन एक्स हमें बेन 10 की ओमनीट्रिक्स में देखने को मिलता है जिसका यूज बेन टूटे हुए डैम के पानी को रोकने के लिए करता है और कुछ सेकंड में ही वो सब कुछ सही कर देता है। लेकिन उसके बाद एलियन एक्स मोशनलेस हो जाता है और हमें एलियन एक्स के अंदर दो नई पर्सनैलिटी देखने को मिलती है, सेलिना और वेलिकस। जहाँ सेलिना लव और रहम की आवाज होती है तो वहीं वेलिकस गुस्से और नफरत की आवाज होता है और यहीं सेलिना बेन को कहती है कि एलियन एक्स यूनिवर्स के सबसे ताकतवर सकते हैं और बिना सेलिना और वेलिकस के मंजूरी के बेन एलियन एक्स की पावर का यूज नहीं कर सकता। और क्योंकि एलियन एक्स सबसे पावरफुल था इसलिए बेन ने एलियन एक्स बनने के बाद उसकी पावर को देखते हुए और वापस कभी एलियन एक्स ना बनने के लिए और एलियन एक्स को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए अल्टीमेट्रिक्स में एक कीकोड फंक्शन बनवाता है केविन की मदद से जिसकी एक चाबी ग्वेन के पास होती है तो दूसरी चाबी केविन के पास, जिसको लगाकर बेन एलियन एक्स को अनलॉक कर सकता था और वो ऐसा करता भी है एक बार ताकि वो एग्रीगोर को फोर्जॉब क्रिएशन में जाने से रोक सके। पर सेलिना और वेलिकस बेन से गुस्सा रहते हैं क्योंकि वो बीच में ही बेस छोड़कर चला गया था जब बेन पहली बार एलियन एक्स बना था, इसलिए सेलिना और वेलिकस बेन को एलियन एक्स की पावर का यूज करने की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन फिर पैराडॉक्स आते हैं और बेन को रोक लेते हैं और उसे वहां से वापस ले आते हैं क्योंकि उन्हें पता था जब तक एलियन एक्स मानेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और इसी एपिसोड में हमें पहली बार एलियन एक्स का घर फोर्जॉब क्रिएशन भी देखने को मिलता है जहाँ के नेबुला में एलियन एक्स से भी बड़े सेलेस्टियल सेपियंस थे। इसके बाद ओमनीवर्स में तो हमें एलियन एक्स की पूरी पावर दिखाई जाती है जहाँ एनआईएल आर्क के कारण पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब ओमनीट्रिक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेन को एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म करता है। इसके बाद बेन सेलिना और वेलिकस को एलियन एक्स की पावर यूज करने के लिए मनाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। लेकिन एलियन एक्स की पावर मिलने के बाद बेन पूरे यूनिवर्स की हूबहू एक कॉपी बनाता है, लेकिन इसका पता किसी को नहीं चलता कि यूनिवर्स अभी अभी डिस्ट्रॉय भी हुआ है। तो क्या सभी रियल कैरेक्टर की डेथ हो चुकी है या फिर वे सभी डुप्लीकेट कैरेक्टर के साथ जुड़ गए हैं, इसका कोई परफेक्ट रीजन नहीं है। लेकिन यूनिवर्स दोबारा रिक्रिएट किया गया है इसका पता स्टारब्रीड और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को चल जाता है और इसीलिए वे बेन 10 को सजा देने के लिए यूनिवर्स की अदालत में सफाई देने के लिए बुलाते हैं जहाँ स्टारब्रीड बेन पर आरोप लगाता है कि उसने एलियन एक्स की पावर का गलत यूज किया और यूनिवर्स को रिक्रिएट किया और चीजें बदल दी। तो वहीं बेन का वकील सेलेस्टियल सेपियंस पर आरोप लगाता है कि सेलेस्टियल सेपियंस चुटकियों में यूनिवर्स की रियलिटी बदल देते हैं और उन्होंने ऐसा कई बार किया है, जिसके बाद बेन को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए गैलेक्टिक ग्लैडिएटर से लड़ना पड़ता है जिसमें वो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हराने के लिए एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर वो सेलिना वेलिकस को उसकी पावर का यूज करने के लिए मनाता है जिसके बाद वो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद बेन हमें एक बार फिर एलियन एक्स का यूज करते हुए दिखता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है क्योंकि इस बार जब बेन एलियन एक्स का यूज करता है तो उसे एलियन एक्स की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिरकार बेन एलियन एक्स की अनुमति के बिना एलियन एक्स की पावर का यूज कैसे करता है। तो इसका जवाब है कि गैलेक्टिक ग्लैडिएटर से लड़ते वक्त बेन सेलिना और वेलिकस के बीच एक समझौता हुआ था जिस समझौते में साफ साफ कहा गया था कि सेलिना वेलिकस अपनी बहस जारी रखेंगे और बेन एलियन एक्स की आम पावर का यूज कर सकेगा। लेकिन यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि रूटर्स की पूरी टीम से लड़ते वक्त जब एलियन एक्स अपना एक पंच एलन को मारने वाला था लेकिन एलियन एक्स रुक जाता है, अगर एलियन एक्स अपना एक पंच एलन को मार देता तो उस वक्त एलन का क्या होता, आप नीचे कमेंट में बताना। और साथ ही एक ऐसा भी डायमेंशन है जहां एल्बिडो भी एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था, पर लेकिन जब वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ तो एक साल तक सुन रह गया। और एक सवाल एलियन एक्स के फैंस हमेशा पूछते हैं कि क्या एलियन एक्स सबसे ताकतवर है, तो यार बेन 10 में तो एलियन एक्स सबसे ताकतवर माना जाता है, पर जब ये बात बेन 10 के क्रिएटर से पूछी गई कि क्या एलियन एक्स सबसे ताकतवर है तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि एलियन एक्स सबसे ताकतवर है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हमें एलियन एक्स से भी ज्यादा ताकतवर एलियन देखने को मिले बेन 10 में। और एक सवाल और जो हमेशा आता है कि क्या एलियन एक्स को मारा जा सकता है, तो हाँ
एलिनक्स को बिल्कुल मारा जा सकता है, क्योंकि एलिनक्स का जन्म होता है तो एलिनक्स की मृत्यु भी होती है, और एक सेलेस्टियल सेपियंस एक दूसरे सेलेस्टियल सेपियंस को मार सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ सेलेस्टियल सेपियन ही कर सकते हैं। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात, जब बेंटेन एलियन फोर्स शुरू हुआ था तो बेंटेन एलियन फोर्स के इंट्रो में एलियन एक्स को एज अ ब्लैक एलियन इंट्रोड्यूस किया गया था, और गाने में एलियन एक्स को ब्लैक कर दिया गया था। एलियन एक्स का पूरा चेहरा कभी नहीं दिखाया गया जब तक एलियन एक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। क्या आपने इस बात को गौर किया था? आप मुझे नीचे कमेंट में बताना। और भाई सच बताऊं तो एलियन एक्स बेंटेन का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बड़े बड़े कॉमिक्स बुक्स के हीरो को भी टक्कर दे दिया, फिर चाहे वो मार्वल्स की कॉमिक हो या फिर डीसी की कॉमिक्स। इन सभी के पावरफुल हीरोज एलियन एक्स के बीच अगर टक्कर हो तो कौन जीते, इन सब के बीच हमेशा वाद विवाद चलता रहता है। बेन टेनिसन, कैलकुलेशन के लिए तैयार रहो। तो यार इसी के साथ खत्म होती है एलियन एक्स की ओरिजिन स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो वीडियो का कमेंट में एलियन एक्स जरूर लिखना, और अगर कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट में बता देना। लास्ट में अपनी सुपर पावर्स का यूज करना और वीडियो को लाइक करना, और मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।